घर में हो छोटी मोटी पार्टी या शाम को बच्चों को देनी हो कोई स्नैक, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान कैजून पोटैटोज, जो बनता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और देता है रेस्टोरेंट का स्वाद। प्लीज मेरी वीडियोस को अंत तक देखें और लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आसान और जबरदस्त रेसिपी। कैजून पोटैटोज बनाने के लिए हमें बेबी पोटैटोज का यूज करना है। हमने यहाँ पर 10 से 12 बेबी पोटैटोज ले लिए हैं और इसे दो विसल आने तक हमें पकाना है। कुकर की लिड को तुरंत ना खोलें, कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने दें। हमें आलूओं को बॉईल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि यह ज्यादा नरम ना पड़े। अब आलूओं को ले लें और बिना इनके छिलके उतारे हमें इन्हें हाथ से मसलना है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे अपने पाम की हेल्प से इसे मसल रही हूँ। बस हमें ऐसे ही आलूओं को चपटा करना है। अब आलूओं को फ्राई करने के लिए हमें अपनी बैटर बनानी है। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप मैदा लिया है, 1/4 कप कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर आप बोल सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लें। उसके बाद पानी डालकर हल्का सा इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेस्ट हमारी ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसे हल्की पतली ही रखें। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे पेस्ट बना रही हूँ। इस पेस्ट को बनाने में 1/2 कप से भी कम पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। हमने अपने पेस्ट बनाने में मैदे और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। मैदे और कॉर्नफ्लोर के इस मिक्स में हमें अपने आलूओं को डुबोकर इन्हें करारी होने तक फ्राई करना है। अब हम अपनी कैजून सॉस की तैयारी करने वाले हैं। कैजून सॉस बनाने के लिए हमें 1 कप मायोनीज की जरूरत है, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, आप यहाँ पे चॉप अनियन का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक या फिर कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इटालियन हर्ब जो हम पिज्जा में डालते हैं, 1/4 टीस्पून के करीब कश्मीरी चिली पाउडर, जी हाँ कश्मीरी चिली जरूर डालें, यही हमारे सॉस को अच्छा कलर देने वाला है। यहाँ पर 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून के करीब नमक, नमक डालते वक्त ध्यान रखें कि हमारे मायोनीज में भी नमक रहता है। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करते वक्त आपको ये पता चलेगा कि यह सॉस काफी गाढ़ी लग रही है, तो इस गाढ़ेपन को कम करने के लिए हम इसमें दूध मिलाने वाले हैं। 1/4 टीस्पून के करीब काले मिर्च मिलाएं। अब इस पॉइंट पे हमें अपने सॉस में दूध मिलानी है। दूध को एक बार ही ना पलटे, इसे धीरे धीरे करके अपने सॉस में मिक्स करें। हमारा कैजून सॉस रेडी है। अब हम अपने आलूओं को फ्राई करने वाले हैं। आलूओं को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें। तेल को अब मीडियम गरम ही करनी है और उसके बाद में आलूओं को डिप करते हुए डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे अपने आलूओं को पेस्ट में डिप करके उसे फ्राई करने जा रही हूँ। हमें अपने आलूओं को फ्राई करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा तेल मीडियम गर्म ही होना चाहिए। अब हमें अपने आलूओं को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है। इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने आलूओं को कैसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर रही हूँ। कैजून पोटैटोज बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप आलूओं को अच्छी तरह से चिपटा करें। उससे करने से आपके आलू जब आप उसे फ्राई करेंगे तब वो अंदर तक करारे और क्रिस्पी होंगे। हमारे आलू जितने ही करारे और क्रिस्पी होंगे हमारा कैजून पोटैटोज उतना ही जबरदस्त टेस्ट देगा। आप देख सकते हैं हमारे आलू यहाँ पे बिल्कुल करारे हो चुके हैं। अब हमें अपने कैजून सॉस में 2 टीस्पून के करीब नींबू का रस मिलाना है। अब चलिए हम अपनी कैजून पोटैटो को डिश आउट करते हैं। मैंने एक प्लेट में फ्राइड पोटैटोज डाल दिए हैं।
मैंने एक प्लेट में अपने फ्राइड पोटैटोज डाल दिए हैं। अब मैं उसके ऊपर से अपनी कैजून सॉस डालने वाली हूँ। कैजून सॉस डालने के बाद हम उसमें कुछ चॉप्ड अनियंस डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे जिसे हम चॉप करके मिलाने वाले हैं, और थोड़ी सी उसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और हमारी तीखी चटपटी और मजेदार कैजून पोटैटोज बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, लग रही है ना हमारी कैजून पोटैटोज एकदम चटपटी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।